नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमपी भारत, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। खबरों का रुख करें उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजधानी भोपाल में शनिवार को 3 जगह पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन रहा सफल। सफल ड्राई रन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी शुभकामनाएं। मंत्री गोपाल भार्गव का दिग्विजय सिंह को लेकर विवादित बयान आया सामने। मुर्गे की बांग से की दिग्विजय सिंह के ट्वीट की तुलना। किसानों के आंदोलन को मिला ग्वालियर के किसानों का समर्थन। फूलबाग मैदान में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। कानून वापस लेने तक जारी रहेगा आंदोलन। इंदौर पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी समेत कुल 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का लगा आरोप। और ग्वालियर में ठेले को धक्का मारते नजर आए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। वीडियो वायरल, ठेले को धक्का मारते दिखाई दिए। खबरों का रुख करते हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन सफल रहा है। शनिवार को 3 जगह पर ड्राई रन किया गया। शहर के गांधीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गोविंदपुरा और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को वैक्सीन के लिए ड्राई रन का सेंटर बनाया गया था। इस दौरान वैक्सीन के टीके को लेकर और उसकी प्रक्रिया को पूरा करने की रिहर्सल की गई। इस सफर का ड्राई रन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और खुशी जाहिर की। फ्रंटलाइन वर्कर्स को शुभकामनाएं दी। दमोह में जगह जगह अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन को लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे थे, जिसे लेकर दमोह के कीर्ति स्तंभ चौराहे से लेकर राजकुमार स्कूल और अस्पताल चौराहे के बीच हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अलग अलग संगठनों के द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। वहीं इस कार्रवाई पर दुकान संचालकों का कहना है कि कोरोना काल में बेरोजगार हो चुके लोगों का रोजगार जब पटरी पर आया तो जिला प्रशासन ने उन्हें शासकीय भूमि से बेदखल कर दिया। सभी लोग खुशी मना रहे हैं नए साल की, हम लोग देखो यहाँ से परेशान हो रहे हैं। ना बाल बच्चों के संग खाना पीना खा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। आठ महीने से पहले से परेशान है हम लोग। जैसे तैसे दुकानें खुलने लगी, चलो 2 दिन का रोटी पानी का सिलसिला लगा तो वो भी हटा दिया। 2004 में भी हमारी पक्की दुकान स्टैंड पे थी, वो भी नहीं हमको मिली। शहर में विभिन्न शासकीय जहाँ जहाँ पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किए गए थे वो मुक्त कराए गए हैं। चिकन डे स्कूल की जमीन को भी मुक्त कराया गया, जो पार्किंग के लिए एक सबसे अच्छा स्थल है, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। किसानों के आंदोलन को 38 दिन पूरे हो चुके हैं और प्रदेश भर के किसान इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। किसानों के समर्थन में अब ग्वालियर के किसान भी आए हैं। अखिल भारतीय संयुक्त किसान समन्वय समिति ने शुक्रवार से ग्वालियर के फूलबाग मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। इस प्रदर्शन में ग्वालियर के अलावा डबरा के किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। समिति का कहना है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जे संयुक्त मोर्चा के तत्वधान में आज जो 3 काला कानून आए हुए हैं उसके विरोध में आज हम लोग और सभी लोग किसान भाइयों के साथ समर्थन देते हुए आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। और हमारी यही मांग है कि ये 3 काला कानून जो देश के अंदर हमारे किसान भाइयों के विरुद्ध आया हुआ है उसको जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। या हम लोग जो कृषि विधेयक जो पारित हुए हैं उनके विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं, और जितने भी लोग हैं उन सब का जो अलग अलग संगठन है यहाँ पर, हम लोग डबरा से उनका समर्थन करने के लिए आए इस धरने का। प्रदेश सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव का दिग्विजय सिंह को लेकर एक विवादित बयान सामने आया। दिग्विजय सिंह को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने दिग्विजय सिंह की तुलना मुर्गे से करते हुए कहा कि जिस तरह रोज सुबह मुर्गा बांक देता है उसी तरह अपनी उपस्थिति जताने के लिए बताने के लिए दिग्विजय सिंह भी बांक देते हैं, लेकिन उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं। दरअसल मंत्री गोपाल भार्गव राम मंदिर निर्माण को लेकर 22 जिलों के प्रतिनिधियों को उनके साथ चर्चा कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, शामिल हुए थे इस बैठक में, जबलपुर में मौजूद थे। देखिए, अब दिग्विजय सिंह की बात को कोई गंभीरता से देश में नहीं लेता है। रोज जैसे एक मुर्गा बांग देता नहीं, जैसे सुबह होती है ऐसे ही दिग्विजय सिंह सोचते हैं कि उनके बांग देने से या उनके ट्विटर या कोई भी फेसबुक पे डालने से
उनका नाम चलता रहेगा, बना रहेगा, चर्चा में रहेगा, यही एकमात्र उनका उद्देश्य रहता है। तो उनके हाथ चलते ही रहते हैं, मूवी चलता रहता है, जब तक वो कुछ नहीं बोल लेंगे तब तक उन्हें चैन नहीं आएगा। ये भी एक बड़ी बीमारी होती रहती है। प्रदेश सरकार पहले ही भूमाफिया को लेकर अपना रुख साफ कर चुकी है, अब प्रशासन ने भी भूमाफिया पर कार्रवाई को लेकर अपनी कमर कसी है। खबर जबलपुर से है, जहां खजरी खिरिया बाईपास पर हुए अवैध कब्जे पर जिला प्रशासन और नगर निगम टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। माफिया कबाड़ी नजर अली ने 2000 स्क्वायर फीट 11 दुकानें व मकान निर्माण किया था, जिसको भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। राजस्व और पुलिस की टीम के द्वारा कार्रवाई चल रही है और भूमाफिया एवं अन्य लोगों ने जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनका अतिक्रमण छोड़ा जा रहा है। विभिन्न लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया था नाले के ऊपर शासकीय भूमि पर, कार्रवाई अभी जारी है। प्रदेश की इंदौर पुलिस ने शुक्रवार देर रात स्टैंड अप कॉमेडियन मनवर फारूकी समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि इंदौर में एक कॉमेडी शो का आयोजन हुआ था, जहाँ फारूकी को परफॉर्म के लिए बुलाया गया था। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मामले में केस दर्ज कराया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की कार्यशैली से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। अपने नर्म स्वभाव और जनता सेवा के लिए वो जाने जाते हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर का ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में ऊर्जा मंत्री सामान से भरा ठेला ले जा रहे हैं, बुजुर्ग को देखकर ठेले को खुद धक्का मारते नजर आ रहे हैं और फिर बुजुर्ग की परेशानी भी सुन रहे हैं। बुजुर्ग रघुवर पाल वृद्धा पेंशन न मिलने से परेशान थे, जिसका चंद मिनटों में ही मंत्री ने अधिकारियों से बात करके वृद्ध को पेंशन देना शुरू कराया। एमपी भारत में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी भारत के साथ।